और डीजल को रिफाइन करने के लिए मेड इन इंडिया रिफाइनरीज का दुनिया भर में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये तो जानती हैं कि कच्चा तेल कैसे निकालना है, लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मशीनरी की जरूरत होती है और इंडिया इस मशीनरी को बनाने में महारत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज के लिए इंडिया से राबता किया है। तो यानी पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, उसका रिलीजन कुछ भी हो सकता है। बात ये मेरी समझ में आई, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बड़े भैया, आप कल्चरली अखंड भारत का हिस्सा है। इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफी ज्यादा डिफरेंट है, हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मजीद लगाते हैं तो एक फर्दर इन्वेस्टमेंट है। ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज्यादा पैसे तो है नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा है और हमारे कुछ रिजर्व्स भी जो है फाइनेंशियल रिजर्व्स भी जो है इकोनॉमिक अच्छे नहीं है। इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो इम्पावर किया है और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70 प्लस कंट्रीज या 17 आई गेस आपने कहा था 70 प्लस कंट्रीज जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत में हर दिन बहुत ज्यादा डीजल पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है और यह ऑयल किसी दूसरे देश से लाकर उसे रिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसका प्रयोग बाइक या गाड़ियों में कर सकते हैं। पहले भारत के पास ज़्यादा रिफाइनरी नहीं थी, मगर अब भारत धीरे धीरे रिफाइनरियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है और ऑयल को रिफाइन करने के लिए अब तो दूसरे देश भी भारत से डील कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 70 देश भारत के साथ ऑयल रिफाइनरी के लिए डील हुई है, जिसे देख पाकिस्तानियों को फिर मिर्ची लगी है। वही दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान करता रहता है और इसी मुद्दे को लेकर जब पाकिस्तान की एक यूट्यूबर ने इंडिया के डॉक्टर अभिषेक से बात की तो डॉक्टर अभिषेक ने उन्हें जमकर धो दिया तथा उनकी बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली पाकिस्तान से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट वीडियो की न्यूज आपको मिल सके। हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो बेचारा दुनिया भर के लिए माइग्रेन है, वो समझ ही नहीं पाता, वो जहां रहता है जिस धरती से उसे नफरत करता है, उसकी इतिहास से नफरत करता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ मुगल नहीं आए होते तो तुमको ताजमहल नहीं मिलता। अरे भाई ताजमहल बहुत अच्छी बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग ताजमहल। हिंदुस्तान की दूसरी बिल्डिंगे देख के आओ, इतने पुराने मंदिर बने जिन्होंने बेमियान में और इंडिया भर के और भी कई जगहों पे पहाड़ों में खोद के मूर्तियां बना दी, इतने बड़े बड़े स्कैफोल्डिंग कैसे लगाए होंगे? आजकल तो जेसीबी आता है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, और वो जाकर के तब इतनी बड़ी वो साइंस और इंजीनियरिंग का फीट होता है कि इतनी बड़ी मूर्ति आप पहाड़ों में कार्व कर पाओ। आप कह रहे हो कि वो लोगों को ताजमहल नहीं बना पाते, वो ये नहीं बना पाते। ताजमहल बनाने के लिए क्या मजदूर सेंट्रल एशिया से आए थे यहाँ पे? ताजमहल बनाने के लिए क्या पैसे हिंदुस्तान के नहीं लगे थे? क्या वो बाबर जिसके की घर जेब में एक पैसा नहीं था, वो अपने घर से पैसा लेके आया था? और जाके कोणार्क का मंदिर देख लें, जरा जाकर के सूर्य मंदिर देख लें, जरा जाकर के हम्पी के वो जो बिल्डिंग लेके इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं बिना सीमेंट के, एक पत्थर के ऊपर पत्थर करके इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें बनाई हैं, आर्किटेक्चर बनाया, कह रहे वो सब है ही नहीं है। मुगलों ने हमें आर्किटेक्चर दिया, हम तो भैया सेंट्रल एशिया में घूम घूम के थक गए, कोई आर्किटेक्चर नहीं दिखा हमें। हमें तो हिंदुस्तान के एक से पुरानी मह आपके यहाँ दिख जाएंगे मंदिर पुराने पुराने, अगर आपने बचा के रखे होंगे, अगर उनको आग वाग नहीं लगा दिए तो। इस वक्त ज्यादातर ममालिक जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाए। हम यही बात कर रहे हैं, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। अब जो बात आपकी है, पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, जैसे कि अगर आप अयूब खान का दौर देखते हैं, उनकी एग्जाम्पल भी देते हैं कि उस दौर में आपकी इकोनॉमी थोड़ी बूम की, दैट वॉज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है, डेट्स मिल रहे थे, लोन्स मिल रहे थे, एड मिल रही थी, इस वजह से मिल रही थी कि हम प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री थे और जो टू ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई थी कोल्ड वॉर में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के कहलाए थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा, तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ।
उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें, इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज वर्ल्ड 150 बिलियन से ज़्यादा है। और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट्स से सिर्फ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। आपके यहाँ पे ये जो नफरत है हिंदुस्तान से, वो इसलिए कि हम कहते हैं आप हमारे हमारे आपके पूर्वज एक थे, हमारे आपकी पहचान एक है। आप कह रहे हो अखंड भारत, अखंड भारत, अरे क्या हो जाएगा अखंड भारत से? अखंड भारत कल्चरली भी तो हो सकता है ना, पॉलिटिकली मत करिए, अपना देश अपने पास रखिए, मगर ये कल्चरल तो हो सकता है ना कि अनम हमको कहे कि अभिषेक सर हमारे बड़े भाई है, ये कह सकती है ना अनम की, इसको कहने में वो हो जाएगा कि अरे अब हिंदू को भाई कह दिया, ये कैसे कर रही हो भाई अनम तुम तो, मतलब क्या ये नहीं हो सकता? अगर अगर अनम मुझे कहेगी कि अभिषेक सर हमारे बड़े भैया हैं, तो हम कल्चरली नहीं हो गए क्या? कल्चरल अखंड नहीं हो गए हम लोग? यही अखंड भारत है। जब तक मैं कहूंगा कि अनम मेरी छोटी बहन है, अखंड भारत है ये, इसको आप नहीं रोक सकती। जब तक मैं ये कहूंगा कि भाई हमारा आपका भाषा एक है, हमारे आपकी हिस्ट्री एक है, साझी हिस्ट्री है हमारी, हम लोग एक साथ रहे हैं, हम लोग एक साथ नहीं बल्कि एक ही लोग रहे हैं। रिलीजन तो कोई भी, कल को मैं हो सकता है क्रिश्चियनिटी अपना लूं, कल को हो सकता है मैं तो ऐसे एथिस्ट हूं, कल को मैं हो सकता है और बड़ा सनातनी बन जाऊं, हो सकता है बुद्धिस्ट बन जाऊं, ये तो मेरी मर्जी है। लेकिन क्या मैं इंडियन होना बंद हो जाऊंगा? अब मैं क्रिश्चियन बन गया तो मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा तो मैं क्या अंग्रेज बन जाऊंगा या मिडिल ईस्टर्न बन जाऊंगा, कौन बन जाऊंगा मैं? अरे भाई रिलीजन पर्सनल मैटर है, रिलीजन से नेशन नहीं बनते। सर 70 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से ऑयल रिफाइनरिंग के लिए कहा है, उनसे राब्ता किया है, क्या कहेंगे हम आज तक रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीद पाए और इंडिया ना सिर्फ धड़ाधड़ दूसरे ममालिक से खाम तेल खरीद रहा है बल्कि उनको रिफाइन भी कर रहा है और रिफाइनरिंग मशीनरी और यूनिट्स भी लगा रहा है। देखिए इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मजीद लगाते हैं तो एक फर्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिजर्व भी जो है फाइनेंशियल रिजर्व भी जो है इकोनॉमिक अच्छे नहीं है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है चाहे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा कि फर्स्ट स्टेप पे अपनी ऑयल की कंजम्पशन को जो है वो रिड्यूस करें। ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनहेंस करें। सर सही, आपकी बातों से मुझे ये जरूर पता चल गया है कि आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत है, और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो पाकिस्तानियों के दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन जो ऑफिशियल लेवल पर मैं बात करूं तो बहुत सी चीजों को इस तरह से दिखाया जाता है कि जो मोहब्बत है वो ऑटोमेटिकली नफरत के अंदर बदल जाती है। इवन अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, मसले कश्मीर मसले कश्मीर मसले कश्मीर, जिस दिन ये कश्मीर कार्ड खेलना बंद कर दिया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है। इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी हिंदुइज्म के लोग हैं और बहुत से लोगों के साथ मेरा पर्सनली कॉन्टेक्ट है और आपस में हम उठते बैठते खाते पीते भी हैं, सिंध से लोग आए, बलोचिस्तान से लोग आए, इवन कैनेडा से इंडियन जो आया था वो भी विपिन कुमार जी, उनके साथ भी काफी अच्छा स्पेंड टाइम हुआ हमारा। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक मजहब है जिसकी वजह से हम हिंदू मुस्लिम का वो एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, अदरवाइज हम लोग एक ही अगर ओरिजिन भी देखें तो इंडियन ओरिजिन से थे और अभी भी अगर हम देखें तो बींगा इंसान ह्यूमैनिटी तो एक ही हम जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे बोलते हैं, एक ही जैसे उठते बैठते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये चीजों को हम लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन आज भी अगर मैं देखूँ ऑफिशियल लेवल पर ये सब चीजें हमें नजर आती हैं और पता नहीं कितने साल और नजर आएंगी। नहीं आपने ये एक बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ ना, आप कहते हैं कि देखिए, अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान में रहने वाले को आप क्या बोलती हैं? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी ठीक, तो पाकिस्तानी हो कोई सिख पाकिस्तानी हो सकता है क्या? सॉरी आपकी समझ नहीं है क्या? कोई सिख रिलीजन को मानने वाला पाकिस्तानी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तानी होगा। अच्छा अच्छा, तो कोई अगर मान लीजिए भगवान शिव को मानता है क्या वो पाकिस्तानी हो सकता है? हो सकता है ठीक चले हो गया। कोई अगर जीसस क्राइस्ट को मानता है तो पाकिस्तानी हो सकता है? हो सकता है ठीक। तो यानी पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, उसका रिलीजन कुछ भी हो सकता है। बात ये मेरी समझ में आई, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी रिलीजन कोई भी हो पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तानी हो सकता है, पाकिस्तानी ये डिफाइन तो नहीं करता कि रिलीजन अगर मुस्लिम है तो पाकिस्तानी है। नहीं ये आपका स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिलहाल अभी हम ये चलते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी होगा और उसका रिलीजन कुछ भी हो, ये पॉसिबल है ठीक है ना। तो चलिए अब आप बताइए इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। और इंडियन का रिलीजन हिंदू मुस्लिम सनातनी सनातनी मुस्लिम क्रिश्चियन एथिस्ट सिख यहूदी कुछ भी हो सकता है, इंडियन कोई भी हो सकता है, मानती हैं? कोई भी हो सकता
भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं, बिल्कुल, और भारतीय का कोई भी धर्म, और धर्म तो खैर सबका एक ही होता है, भारत में रहने वाले का कोई भी पंथ हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, भारतीय मुस्लिम भी हो सकता है, भारतीय क्रिश्चियन भी हो सकता है, भारतीय सनातनी भी हो सकता है, भारतीय अथीस्ट भी हो सकता है, भारतीय सिख भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी हिंदू हो सकता है, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू बोलेंगे, पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी, इंडिया में रहने वाले को इंडियन, तो भारत में रहने वाले को भारतीय, तो हिंदुस्तान में रहने वाले को क्या बोलेंगे आप? हिंदुस्तानी, सही, भारत हिंदुस्तानी और इंडियन एक ही तो हुआ, बस दैट्स इट। हिंदुस्तानी एक रीजन का नाम है, यहाँ पे रहने वाला हर आदमी हिंदू है, उसका मजहब कुछ भी हो सकता है। आज भी भारत का जब मुसलमान जाता है सऊदीया में, उसको अल हिंदी कहते हैं। आपकी यही बात समझ में नहीं आई, आपने हिंदू को एक रिलीजन बना के रखा हुआ है। हिंदू सनातन एक व्यवस्था है, हिंदुइज्म, चूंकि ज्यादातर लोग इसमें रहने वाले सनातनी को मानते थे, इसलिए हिंदू को सनातनी से वो कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया। लेकिन हिंदू जो है वो कभी ये नहीं कहता कि तुम इसको मानोगे तो हिंदू नहीं रह जाओगे,